केमरलेस, केमरलेस चाकू, ऐसे कैसे गलती होगी? हाँ, केहू जवाब दे। अब हाँ जोड़ रहा बनी, ज्यादा लग जाए तो हमारे स्किन ना तनी सा सेंसिटिव बा, तो इंजेक्शन लगे लाला मतलब तो तनी सा ज्यादा पेन होला तो ओकर जरूरत बा ना इंजेक्शन के। आप इंजेक्शन अवॉइड कर दी, हमारा इंजेक्शन से बहुत डर लगे ला। सॉरी ऋषभ जी, अगर इंजेक्शन ना भी लगावे के होखे दरा, आप तो हम जरूर लगाई। प्रीता जी, हमार बहिन ना हो के बहन जी टाइप तो बाड़ी ना, ऐसे तो क्या हो कुछ भी बोलेला तो बर्दाश्त कर जाली, लेकिन हम ना करब। कर लेती है बर्दाश्त, प्रीता जी बर्दाश्त कर लेती है, पता का है? का है कि वो आपन होए वाला पति के रिस्पेक्ट करेली। प्रीता फिजियोथेरेपिस्ट बड़ी, हमने के एक प्रॉपर डॉक्टर के जरूरत है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ही बा, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर डॉक्टर ही बड़ी। प्रीता कैलस, ये देखा भी खाते की उखरा के आपकी फिक्र बा, जे काम उखरा के आवेला ना वो भी कर देले। हमरा बारे में कोनो बात नहीं के करेगे और प्रीता जी से रिलेटेड हमरा कोनो बात नहीं के करेगे। ऋषभ जी, कोनो बात ना रही दी ना, इट्स ऑल राइट, डजंट मैटर। ये हमारो ऋषभ जी के बीच के बात बा, तू बीच में काहे? तू प्रीता जी से ऐसन बात नहीं खू कर सकत हमरा सामने, बिल्कुल भी मत करिया। अब जब देखा तो प्रीता के साइड काहे लेत बा? जाने के चाहत रुका है, सुन सकत रुका है? कोनो बात ना आप प्लीज इतना लड़ा मत, कोनो बात ना बोल देला तो बोल देला ना, हमरा के कोनो फर्क ना पड़े। और वैसे भी हमरा के पता बा कि वैसे काहे बोलत बाड़ी। एक मिनट, आप क्यों बीच में बोलत नहीं? ऋषभ जी आपकी तरफ से बात करत आ रही ना, तो बोल लेवे दी। अरे अगर बोले की ही रही ना तो हम बीच में बोल लेती, हम टपक पड़ती बीच में, पर हम चुपचाप इजा खड़ा वाली ना, और ऋषभ जी देवत रहे ना ओकरा के ईंट के जवाब पत्थर से, हमारा मतलब इनका जवाब देता रहे ना ऋषभ जी। तो देवे दी, आप का है हम का है बीच में पड़ी यार। सृष्टि, इका कर रहे हो? आग में घी डाल रहे हैं आप? हम आग में घी? हाँ, आप आग में घी डाल रहे हैं, आप झगड़ा करवा रहे हैं ना, आप ऐसा ना करी, गलत है, बैड टेस्ट, वेरी बैड। और सरलिन जी, आप शांत रहे, शांति में ही सबके भलाई, प्लीज। हाँ ना, मतलब लेट्स क्लोज द चैप्टर, सब बेबजह लड़त आ रही। अच्छा, अरे सिस्टर तन्वी एकदम सही तो कहत रही। अच्छा, अब ये सही हो गई? सही तो कहत रही, पर ये सब का हो रहल बा? चुप हो जा समीर। हाँ? हम तोरा के कुछ मेडिसिन लिख कर देता नहीं, प्लीज जल्दी से ले आवा। हमारी गाड़ी में चलाता नहीं, हमारी गाड़ी बाहर खड़ा बा, बाकी सबके कार मेहमानों के बीच में फसल हुआ था वही में चला था नी। हाँ चला, लेट्स गो। हम भी चला था नी, दे हम आवा था नी। चला चला ऋषभ जी, हम गिरीश भैया के कह के आप आपके खाते जूस भिजवावा था नी। थैंक यू। प्रीता जी एक सेकंड रुक जाए, आप हमार होए वाली पत्नी से बदतमीजी से बात कर ली, आप माफी मांगी। आई एम सॉरी प्रीता, हम ऋषभ जी के खातिर कुछ ज्यादा ही कंसर्न हो गई रानी, ऐसे हम ओवर रिएक्ट कर गई। का भाई, ऋषभ जी के कुछ और चाहिए का? ऋषभ जी से दूर रहा, हमार होखे वाला पति से दूर रहा, इका फालतू के अपनापन के दिखावा लगा के रख ले बाड़ू यार, ये सब ड्रामा बंद कर। ये बता हमरा के तोहरा से कहे के चाहत रही, तू का फालतू अपनापन के दिखावा लगा के रख ले बाड़ू? तू भी जानत बाड़ू और हम भी जानत बाड़ू कि तू का बा और के बा, तो तू ऋषभ जी से दूर रहा, समझ लू? अच्छा, तू हमारे बारे में सब जाने लू? हाँ, और वो भी शुरू से, तभी तो तोरा पे कभी भरोसा ना करनी है। तब भी हम के गलत साबित करे की कोशिश कर ले रहलू, लेकिन प्रीता तू भूल गयलू कि तोरे साथ का भेल रहे। तोहार फेवरेट रॉकी आंटी वो तोरा के घर से निकाल दे ले रहे, एक घर में तोहार आवल चावल बंद करा दे ले रहनी। तू हमारे को एडवाइस मानो,
दोबारा ये गलती मत करी काहे कि ए बार जब तू ये घर से बाहर जाइबू ना आई विल मेक श्योर कि ये घर में तोहर परछाई भी ना पड़ी। तू डरत बाड़ू या हमरा के डरावत बाड़ू? काहे कि जौन दरा से तू हमरा के धमकी देत बाड़ू ऐसा लागत बा तू अंदर से बहुत डरायल बाड़ू। तोरा के बहुत जोर से डर लगत बा कि कहीं हम लोगन के जाके तोहर सच ना बता दी, तोरा के एक्सपोज ना कर दी। गुड, तू डर बनाए रखा। काहे कि हम बहुत जल्दी तोरा के एक्सपोज करे वाला बानी, तो हमरा के चैलेंज कर ले रहला ना? तो ठीक बा, अब देखा हम का करतानी। ऋषभ जी के शादी तोहरा से तो हम कबू ना होवे दे, कबू ना। गिरीश भैया, तू हमके चैलेंज कर ले बाड़ू, अपन जिंदगी के सबसे बड़ा गलती कर ले बाड़ू तू। अब तो तोहके सबक सिखावे के ही पड़ी, तोहके बतावे के ही पड़ी कि शर्लिन खुराना से एक तरह से बात करे के नतीजा का हो खेला। निशाना चुग गई हमरा से, निशाना ना बल्कि हमार किस्मत चुग गई बा। कोनो चीज प्लान के अकॉर्डिंग हो ही ना रहल बा। ओ गॉड, क्यों आ रहल बा? कहां जाए? अरे इस सेट कहाँ रख दिली हम? ओ गॉड, ये गिरिश्ता यहाँ पर बा, अब यहाँ आ जाइए। यहाँ भी ना है? अरे वो रखल है। ओ नो नो नो, हमरा के यहाँ पर देख ली है। गिरीश भैया जी, जरा इधर आइया जी। ऋषभ जी के चोट लगल बा, उनका खातिर पहले ना हल्दी वाला दूध बना दा। हाँ ठीक है। गिरीश भैया, जब दूध उबल जाए ना तो इन तीनों में से आधा चम्मच दूध में मिला दिया, ठीक बा? देख ले ध्यान से। हाँ, देखते हैं। अच्छा, हम ऋषभ जी के कमरा में उनका ड्रेसिंग कराता नहीं। हाँ, जल्दी ले आइया। यस, एकरा कहल जाला लक बाय चांस। ये दूध ऋषभ खातिर बन रहल बा। हमें दूध में जहर मिला दे, एकरा पीते ही ऋषभ मर जाए और हमरा पे केहू के शक भी ना होए। शक हुई था प्रीता और गिरीश पर। एकरा के कहल जाला दुश्मन के दुश्मन से खत्म करवावल। सहरता हम अपन साथ ले ले रहनी, वो यही खातिर ताकि प्रीता और ऋषभ के मारे के बाद हम एकरा के खा के खुद मर जाती, हमारे ऋत्विक के पास चल जाती। लेकिन वो कहल जाला ना दाना दाना में लिखल बा खाए वाला के नाम। अब एकरा के पीते ही ऋषभ बाहर ग्लास कैसे टूटल हुई? पंडित जी आई है और फिर हमार
ई कह ना ऊ का रहे ओकर जवाब द तू। तोहार हिम्मत कैसे भइल प्रीता जी से इस तरह से बदतमीजी से बात करे के? तू सबके सामने प्रीता जी के इंसल्ट कैलो वाय? ये जाना तो कि पंचायती बिजनेसमैन के दिन में प्रीता जी के खाते लड्डू फूट रहा, तू अपन माथा फोड़े के का जरूरत रहे? ना जाए दे, जब तक तू हमार बात के जवाब ना देबा हम तो के यहाँ से ना जाए दे। हम के तो से कोनो बात ना करे के बा। एटीट्यूड दिखा रहा हो वो हमरा। एक बात बतावा, ये जब भाड़ा के एटीट्यूड जो तू हमके दिखा रहा हो कौन से मार्केट से ले ले? दिमाग के मार्केट से। जब तक हम तो के प्योर करी नहीं ना तब तक तो ठीक बा, जे दिन हमार दिमाग खराब हो गए ना तो देख ली हो। अरे हम भी इंसान बानी, हमके भी गुस्सा आवेला, हम भी अपसेट हो खेली जब हम तो के उदू टका के प्रीता के ओ नजर से देखत देखेली। ना ना ऐसा कोनो नजर ना, पता ना तो के ऐसा के नजर कहां से नजर आ चला। अच्छा ऐसा कुछ नहीं के? फाइन आई डोंट केयर, लेकिन तो के केयर करे के जरूरत बा, काहे के अब से हम जैसा भी बिहेव करब जे भी करब ओकर वजह तू ही रहब। तू पागल हो गेल हो? कुछ भी बोलत जा रहा हो? हां हम पागल हो गेल बानी, अब से तो के जे करे के बना तू करा, हम के जे करे के बा हम करब। मोर के महारानी के दिमागी संतुलन सच में हिल चुकल है। आज से पहले एकर हिम्मत न होत रहे कबो हमरा से इस तरह से बदतमीजी से बात करे के, और आज आज एटीट्यूड दिखा रहा बिया। कहीं ऐसा तो ना कि एकर दिमाग में कोनो न कोनो खिचड़ी पक रहा है, एकर दिमाग में कोनो न कोनो साजिश चल रहा हो, और आज मोनिशा, लेकिन लेकिन वो तो जेल में रहली ना, ऐसा तो ना कि हम कोनो सपना देखा था? अरे राखी जी आप यहाँ का कर लिया तब सोच रही ना, आप चलिए आप रूम में। ना हम ना हम ना हम ओकरा के देख ले रहनी। हाँ ठीक है गिरीशा चली, अरे हम आपसे बाद में बात कर, अब चलिए राखी जी, राखी आप चलिए, अभी हम समझ गए हम आपके कलीन, आप चलिए चलिए आप अपने रूम में चलिए। थैंक गॉड किस्मत एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू दिस परी भांग, अगर आज ही मदर इंडिया भांग ना पीते ना तो हम तब पकड़े ही जाती। क्या बारवा? अरे सुनाई नहीं देता का बारवा? तू ये किचन में क्या करते रहू? साहेब पानी पिया रहनी, ओ अचानक से चक्कर आ गए ना तो गिर गई नी। पानी शरबत जूस सब बाबा, तू पानी नहीं पीना आई रलुआ, तू यहाँ चोरी कर आई रलुआ, खबरदार अगर चोरी करे के बारे में तू सोच लो भी तो, ये हमार किचन है, चलो बाहर निकलो। ना साहब आप गलत समझो थे, ऐसा कुछ ना बा, हम सच में पानी पी आल रहनी। जल्दी बाहर निकला ना तो पुलिस बुलाएं। ना साहब हम जात बानी, पुलिस के मत बुलाइया। जल्दी करा चला जल्दी करा। अब तो पुलिस के बुलावा या यमदूत, दूध में जहर तो हम मिला ही दे लिया, अब तक यमराज भी आके ऋषभ के मौत के ना रोक सके। ऋषभ लूथरा आज दहर चैप्टर क्लोज। यस डॉक्टर, इंजेक्शन दे दे ले बानी और दवाई भी मंगवा दे ले बानी, थैंक यू सो मच थैंक्स। एक मिनट हम करा था नहीं, हाँ लाइन संभाल के आई नो थोड़े से दर्द तक करी है ना, एक्चुअली I'm sorry कि हम आपके इंजेक्शन लगा देनी, काफी सख्ती से पेश आए ना हम आपके साथ। अच्छा करनी आप। ना हमरा कहे के मतलब बाकी हमरा अच्छा लगल, वो कहा ना कि हमरा आज ले कबो के हु बॉस बन के डटले नहीं खे, हमरा के कुछ ऑर्डर नहीं खे गए। एक मतलब
हम आपके बॉस की तरह डांटनी हो? नो ना, एक्चुअली हमारे बॉस कहे का मतलब ये रहे कि इतना हक से, इतना प्यार से, केयर से आप हमरा के ट्रीट करी, हमरा बहुत अच्छा लगल। इतना अच्छा बल कि आप रानी अगर करा न हो तो हमरा से झगड़ा करे कि का जरूरत रहे तरह उजा खड़ा होकर लगे तू तो इंजेक्शन लगाई करन की और काम ही का बा झगड़ा करे में तो डबल पीएचडी कर लिया। अच्छा वो बा कहा बाय द वे नेक्स्ट तू उधर टर्न करा हम अभी बोल दें। तो फिर हमार मजा नींद में अपन कमरा में सोवत बारे। अरे वाह तो के ते सब कुछ पता बा कि एक घर में के कहां सो रहल बा और के रो रहल बा, केकरा के लागल बा और केकरा के कितना मरम पट्टी करेगी बा। हमके तो लागेला कि तू एक घर के बारे में और एक घर के लोगन के बारे में सबसे ज्यादा जाने लू। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? ये कोनो तरीका होला बात करे के उसे काहे इतना गुस्सा में बाड़ू, काहे ओकरा से बात करत रहो? ऐसे इतरा से बात मत करा। हमार मतलब है इस तरह से बात ना कहल जाला सरलिन जी, अच्छा ना लागेला। और हमके तू अच्छा ना लागेला, सबसे पहले कि तू हमरा से इस तरीके से बात मत करो। और हम जाने ले कि आप प्रीता से प्यार करी नहीं तो एकर मतलब ये नहीं कि आप हमरे साथ बदतमीजी से बात करब। हम भी आपके कुछ लगे नहीं, भूली हमत। का हो रहल बा पृथ्वी जी? दवाइयां पढ़े से ना खाए से समझ आवेला स्वास्थ्य में। का बात बा यार, का कमाल के वन लाइनर माने लू तू। वन लाइनर ना शुद्ध हिंदी बा, कभी कभी बोले नहीं। नाइस, अच्छा बोले लू तू। हम भी कमाल की हिंदी बोल लेवे नहीं। अच्छा तू? या और हिंदी चल झूठी। झूठ नहीं की बोलत, सच में बोल लेवे नहीं। तन्वी एकदम झूठ बोलत या शुद्ध हिंदी तो छोड़ा, एकरा के नॉर्मल हिंदी बोले ना वेला। हिंदी बोलियन। एनीवे तारा रात याद बा जब मॉम जगराता रख ले राली और क्यों ना पहुंचल रहे? और सिर्फ हमार माँ आयल रही और दोनों ने रात भर जागरण के लिए रहे। तू भी बिना जगराता के चाय पानी नाश्ता एंड ऑल महिला मंडल के गॉसिप का रात रहे। व्हाट अ नाइट। कमला की दुपट्टा, बिमला की शादी और शिमला की थाली। ओए होए, शिमला के ठंड का रात रहे। व्हाट अ नाइट। तू नहीं दुन्नो गांव में रहे ले का? हां नो, गांव में रहत ना रहे लेकिन समर वेकेशंस में वहां जात रही। हाँ। तो उन्होंने रात भर जागरण किया है। बाय द वे तन्वी, तार कार की चाबी देबू हमरा के? डिजाइन बड़ा अच्छा लगा था, दिखाइबू। नाइस, तार का रब हम चला, क्या कि तू बहुत रफ चलावेलू। तू हमके उल्लू बनीला? हाँ बने नहीं, कह के कार हमरा ड्राइव करे। बा गाड़ी हम ड्राइव करब, चाबी दा। अच्छा चाबी चाहिए इला? गिव मी द कीज, गिव मी द कीज, यू नो कीज, कीज समीर, समीर कीज, समीर सम समीर, गिव मी द कीज। हो गई तार, अब जाके जा बैठा। ओके फाइन, जा बैठा। इस सैमी अगर ड्राइवर सीट पे बैठी तो हम बैक सीट पे ना बैठा, ओकर बाजू में बैठा। ये तन्वी, यहाँ कुछ गिरल बा, शायद तो हार। हम का कहत रही जो तोहार ना वो हमार बा, और जो हमार बा वो तोहार कैसे हो सकेला? व्हाट? एक काम करे तनी, यहाँ से गाड़ी तक की रेस लगाओ तनी, देखा तनी के सबसे पहले पहुंचेला। हम जीत गई नी, हम जीत गई नी, चला बैठा। और हम हार गई नी। वेल हमरा सा जे भी रेस लगावे लाना वो हार ही जाएला, काई कि हम जीते वाला में से बानी। हाँ तू जीत के लो, खुश बड़ो। हाँ हैप्पी? हाँ हैप्पी। चलिए अब चला चले चला, चला। थैंक यू, बेल्ट लगा ली। बड़ी आयल हमार शर्टी और हमरा बीच आए वाली, हमार शर्टी के साथ बैठे वाली तनिवी कहीं की। चल तू पीछे बैठा, पीछे बैठे के ही लाइक बढ़ो। हाँ ये शॉर्टी तो सिर्फ और सिर्फ हमार बा। ये सब का हो रहल बा? रहिंदी ना प्रीता जी,
आई एम सॉरी प्रीता जी, पर वो कहा अगर कोनो भी आपसे बदतमीजी से बात करा था ना, वो हमके बिल्कुल अच्छा ना लगेला। आई मीन हद होला, और आप अपन हद में रही, अपन हदे पार मत करी कि बाद में हम कुछ बोल दियो और आप सबके पछतावे के परे। आप हमारे लगत है जे लगत है, पर प्रीता जी हमार बहुत कुछ लगे ली। हमार प्रीता जी हमरा खातिर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्यू गेट दैट? हम भी इम्पोर्टेंट बानी। हमार शादी ऋषभ जी से होखे वाली बा, का अपना चाहत बानी कि हमार शादी इनकरा से होखे? अच्छा, धमकी दे रहल भी हमके? ऋषभ जी आप देखने पृथ्वी जी हमसे कितना बदतमीजी से बात कर रहल बानी, और आप कुछ बोल भी ना रहल बानी। तो हम का बोली? तो हम का बोली हमें? हमरा तो समझे में नहीं क्या हो कि तू बोलत का बाड़ू, तारा भइल का बा, तू चाहत का बाड़ू छड़ले। इतना गुस्सा काहे करे तू रूबी प्रीता जी पे? वो कहले का बड़े? और तू का बोला तारा यार, तू बोलत का बड़ा, चाहत का बड़ा, बोला। वे बोल रहे जो सही है, सिखाई तो नहीं? तो हमरा से ये पूछत रहा ना कि हम ऋषभ जी से शादी काहे करे चाहत बानी, कहे कि हम एगो बहुत घटिया बेकार और खतरनाक लड़की बानी। हमरे के पता बा कि का भइल बा, शर्लिन हमरा से ऐसन काहे बिहेव करता रही? रही दी ना ऋषभ जी, हमारी को शर्लिन के ऐसन कह देले होकी जेकरा वजह से शर्लिन हमरा से इतना अपसेट हो गई बा, ता शर्लिन हम तोरा से जे कुछ भी कहले हैं ओकरा खातिर सॉरी ता हम ना बोलब, काहे कि हम कभू भी केहू के बेवजह कुछ ना कहेली। जरूर तू कुछ ऐसन कहले होकी जेकरा वजह से हम तोरा के कुछ कहले होकी। वो बात और बा कि तू बुरा मान के बैठ गई हुआ। How dare you, मेरा शट अप, शट अप, यू शट अप। हमार होके वाला बीवी है वो, तमीज से बात करा। अब आई ना लाइन पे, चला मुंह तक खुलस, अभी चाहे या ना चाहे हमार फेवर में तो एकरा के बोले के ही पड़ी। अब हम चाहे प्रीता से जे कुछ भी कह, ये हमके कुछ ना कही, फिर चाहे एकर मुंह पे कितना भी गुस्सा होखे, ये शादी तो हमरा से ही करके रही। होए वाली बीवी है ना, तो समझावा अपन होए वाली बीवी के, कहे कि हमार होए वाली बीवी से बदतमीजी से बात ना करे, कहे कि हम बर्दाश्त ना करब। हम भी बर्दाश्त ना करब। बात करे के को तरीका होला, सलीका होला, एगो तहजीब होला, सीखला वो ना हम सिखाए। दी प्रीता, आप जो मेडिसिन लिया हुए कहले रहनी वो हम ले आई नहीं। लावा मेडिसिन्स दा। थैंक्स समीर। दी अभी आप प्लीज ये मेडिसिन ऋषभ जी को जल्दी से जल्दी खिला दी ना। एक मिनट ऋषभ जी, आप ऐसे खड़ा, एक मिनट साइड हुई है, आप खड़ा का है बानी? आप बैठी, आप बैठी, आराम से बैठी, आप खड़ा का है बानी? आई एम फाइन, हम बच्चा नहीं की, हम बैठ जाए, आई एम ओके। अरे लेकिन हम तो बच्ची बानी ना, हमार बात तो आप सुन सके ना, मान सके ना, कहा जाए बैठे में, बस बैठे के तो बा, आराम ही तो करेगे बा, बैठी ना प्लीज आराम से। हाँ सही बा मैम, दूध? हाँ हाँ ले आवा। हाँ ले आओ, ऋषभ जी हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध नहीं पी सकत प्रीता जी, हमरा बिल्कुल अच्छा ना लगेला। काहे कि हमरा एकर स्मेल अच्छा ना लगेला। अरे पंचायती बिजनेसमैन, हमार प्रीता जी तोहार लल्लो चुप्पो करे, एकरा से तू इतना फुटेज मत खा, ग्लास ला पी जा, वरना हम ज्यादा देर तक नौटंकी के गुस्सा ना पी सकब। जैसे ही दूध के ग्लास खत्म होगी वैसे ही तू खत्म हो जाएगा ऋषभ लोथरा। अरे भाई सुंगाऊंगा मत, एक सांस में कटकला। हाँ ना हमी। अरे ऋषभ जी आप अभी बोलत रही कि आप बच्चा नहीं और बच्चों की तरह जिद कर रहा नहीं का, अरे बच्चों से कर का कनेक्शन बा, इट्स लाइक डिसलाइक। ऋषभ जी आपके बात हैवी मेडिसिन लेवे के हां, ओकरा खातिर जरूरी बा, बॉडी में ताकत रही जी, एकरा जगह कुछ और दे दी ना, ई हमरा से अंदर ना जाए। आप ये दूध पियत बा? नो नो, हम जाएं। अच्छा ओके। प्लीज आराम से।
पिता ये तनी सा इम्पोर्टेंट ऋषभ जी आप दूध पी ली ना ऋषभ जी आपके खातिर अच्छा बा प्लीज अरे जे ग्लास में दूध पीड़ल बहुत तब पीजा हर जान चाहिए तब भी तो हमार जान में जान नहीं है इतना जोर से ऋषभ के नाम काहे ले रहल बाड़ी कहीं ऋषभ कोनो प्रॉब्लम में इतना फंस गई चलो चलो देखत बनी हाँ चली आप भी ना पी सकेली काबिल प्रीता जी एकरा में जहर बा ए प्रीता हमार जान के दुश्मन फिर से हमार प्लान फेल करी है मैं सारा प्लान पे पानी फेर देली हर बार का भइल होके करी ना पता ना मॉम एक तो पंडित जी पहले से ही कह चुकल बाड़े कि ऋषभ की जब तक शादी ना होगी तब तक ऐसे ने प्रॉब्लम ओकरा के साथ होखत रही अब देखी ना मॉम ये अनहोनी बना कि ओकरा के चाकू लग गई वो भी वो औरत के हाथ जो चाकू चलावे में एक्सपर्ट हो खेले ये केहू और के फॉल्ट नहीं खे मॉम ऋषभ के कुंडली में ही दोष बा ओकर ग्रह नक्षत्र में प्रॉब्लम बा ओकर कुंडली में साफ साफ लिखल बा कि ओकर भाग्य में का बा जाने कैसन साया होकर कुंडली में बच्चे निकले के नाम ही न ले वेला का जहर जहर हाँ जहर एकरा में जहर प्रीता जी कैसे हो सका गिरीश भैया अब दूध में का मिले ले रहे जी आप दिले रली हुए सब ओकरा अलावा और कुछ ना एक मिनट दी आपके कैसे पता ये मैं जहर बा अरे तार दीदी डॉक्टर बड़ी उनका सब पता चल जाला लेकिन चुप हो जा हम बतावा था नहीं बा तू ना बा स्टेप्स देखत बाड़ तू टेक्निकल वर्ड में तोरे के समझ में ना आई तोरे के बता बनाओ लिपिस पेपर का होखेला जेकरा में हम केहू भी चीज के अल्कलाइन होखल और एसिडिक होखल चेक कर ले उहे तरह के पेपर ही हमार मेडिकल किट में बा और अगर ये पेपर ब्लू से रेड हो जाए तो एकर मतलब कि जौन चीज के टेस्ट करा था नहीं वो पॉइजनस वाली जहर है और देखिए मेडिकल किट में ये पेपर्स होला सारा रेड हो गए पहले ब्लू रहे एकर मतलब आ केकरा में जहर बा कुछ पॉइजनस बा लेकिन ये कैसे हो सकेला आई डोंट नो हो सकेला काहे ना हो सकेला जब कुंडली में दोष होके और ग्रह नक्षत्र में प्रॉब्लम होके तो जरूर हो सकेला करीना बुआई ग्रह नक्षत्र के बात नहीं खे हो सकता कि दूध में जो मेडिसिन मिलाई गई होके वो एक्सपायर हो गए होके ओकरा वजह से वो जहर बन गए होके ये तो जान बुझ के केले बाड़ू ना जान बुझ के तू गिरीश के कुछ ऐसा चीज देले बाड़ू जाए जो दूध के पॉइजनस बना देवेला ये जानत बाड़ू की ये पी के ऋषभ जी के जान जा सकेला फिर भी तो अनकरा के फोर्स करत रहलो दूध पीवे खातिर शर्लिन कैसन बात कर रहा बाड़ू तू ऋषभ और करण दोनों के दूध से नफरत बा अनकरा के फोर्स करे पड़त रहेला और प्रीता कोनो जड़ी बूटी वगैरह ना डलले बाड़ू लेकिन ये सब कुछ आपके आँख के सामने बा गिरीश अभी अभी कहलस की वो दूध में उहे मिलौले बाड़ा जब प्रीता ओकरा के देले बाड़ी फॉर हेवन सेक शर्लिन प्लीज इस चीज से बाहर आवा ऋषभ जी प्लीज जोन इंसान से हमारी शादी होके वाली बा प्रीता वो इंसान के मारे के कोशिश कर ले बाड़ी ऐसा नहीं खे यार तो हर दिमाग पहले ही से कम रहे और अब लगा था कि पूरा चपाट हो गई बा सब अपन आखन से देख ले बा तू भी देख लो कि ऋषभ जी के हाथ से दीदी ने वो ग्लास फेंक दिली नीचे मतलब ऋषभ जी के बचैली है हमार दी समझ लो तू इरादा बदल दे ले होगी यही से ग्लास फेंक दे लस खुद के ही वास है खुद दे के बचा ले ली अब हम समझनी कि ये काहे खातिर कहीं काहे की तो हर दिमाग सड़ गई बा व्हाट यार पहले तो बोले लो कि दी कोई ऐसा जड़ी बूटी मिले ली है जो जहर वाला मेडिसिन हुई शायद अब तू बोला तारू कि वो जी अटैक करवेली और खुद ही वो अटैक बचेली हूँ बचावे खातिर सबके नजर में अपन इम्पोर्टेंस बढ़ावे खातिर शर्लिन तारा हमरा से शादी करेगा बना एक शब्द भी प्रीता जी के खिलाफ और मत बोलिए बस
ऋषभ जी, इनफ। ऋषभ जी, शलिन और हमारे बीच में रिश्ता कबू अच्छा ना रहे। तब कुछ भी बोले तारी उकरा के बोले दाना, हमरा के कोनो फर्क ना पड़ेला। ना कबो फर्क पड़त रहे, ना कबो फर्क पड़ी है। जयदीप, प्रीता जी, हमके लगेला शलिन जी ना बहुत बहुत डिस्टर्ब है। वो महाशिवरात्रि वाला दिन इनका साथ जो हादसा भइल रहे ना, वो वजह से काफी डिस्टर्ब भी है। आप इनका माफ के दे। इस सब बात छोड़ा, अभी इम्पोर्टेंट ही बा, ये दूध में जहर डालने के हा। पेपर इतना ज्यादा रेड बा, एकर मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइजन यूज करल गइल बा। थैंक गॉड ऋषभ जी, आप ही दूध ना पी ले हा। थैंक गॉड। एक मिनट दी, आपने बोलने की ये पॉइजन डालल गइल बा। डालल गइल बा मतलब? एकर मतलब केहू तबा, केहू तबा जे ऋषभ जी की जान लेवे के चाहता रे। गिरीश भैया, अब जब ये दूध बनावत रहे तो का ओकर के उबले खाते छोड़ के चल गए रहले, या ओकर पर से आपके नजर हटल होगी? हो सकेला तब के हो आकर ओकरा में जहर मिला देला हो। गिरीश, ठीक से याद करा, तू ग्लास कहीं भी छोड़ ले रहलस का? मैम, घर के बाहर तुम कहीं ना गिरनिया। हाँ, किचन के बाहर एगो ग्लास टूटे की आवाज सुन ले रही है, तो के देखे खाते हम किचन के बाहर गए रहे। हम श्योर तभी के हो आके दूध में जहर मिला दे ले रहा। के रहे का वहाँ पे केहो के अब देख ले। हाँ, एकर मतलब बीवा कि केहो हमारे ऋषभ के मारे की चाहत बड़ा देखला क्या हो के? हाँ, एगो लड़की रहो है। हम किचन के अंदर एगो लड़की देखे, वो डांस ग्रुप वाला में से एगो रहो है। हमके लगे शायद वो कुछ चुरावे आइल भी है। डांस ग्रुप में से रही, एकर मतलब ओकर निशाना ना लगा तब वो दूध में जहर मिलावे के सोच ले रहे। मतलब शायद कोई जानबूझ के सब कुछ करा था। शायद ना यकीनन केहू हमार बेटा ऋषभ के मारे के चाहत बा। चाकू से ना मरल तो दूध में जहर डाल देलस। ऋषभ बेटा, तो अपन ख्याल रखा, तो के केहू मार दे। दादी दादी, ऐसे अंदाजा लगा के कोनो फायदा नहीं के, हमने के कोनो नतीजा पे नहीं पहुंच सका। चलिए सब लोग बाहर चल के डांसर के ढूंढने के, लेट्स गो। ओ, कोनो डांसर ना बा, डांसर के वेश में कोनो ऐसे लड़की बात जब से बदला लेवे के चाहो। समीर ना सही बोल रहा, हमने के जाके वो लड़की के ढूंढे के पड़ी का है कि अगर वो हमने के हाथ से निकल जाए ना, था वो तो अटैक पे अटैक करे ऋषभ जी पे। यार, लेके हमारे दुश्मन कैसे हो सकती यार? के हो सकता? हम तो ना खेली कांड, तो हमार सिवा ये पंचायती बिजनेसमैन के दूसर दुश्मन के आगे लिया। पर सबसे पहले एक काम करत बानी, बाहर चल के सारा डांसर्स के चेक करत बानी। हाँ, चलो चलो। एक काम करत, तू लोग सब जा, अब हम ऋषभ के साथ रुकत बानी। हाँ, रिलैक्स करिया, आपके पोता पोता ने के शेर बा शेर, ये छोटा मोटा खरोज बा, इसे फर्क ना पड़ेला। और अब तो वैसे भी पता चल गया ना कि वो हमारे जान लेवे के चाहता, तो मलट रहे। हम भी देखे के चाहते नहीं केकर इतना हिम्मत हो गई कि हमरा के दूध में जहर देके मारा था। हाँ, ठीक बा, पर हम तो हर साथ रहे ऑलवेज। हम एक मिनट। हाँ, चलो। एक मिनट ऋषभ के आ जावे था। कहीं दिलफिक आशिक ते कांड ना कर दे ले बा। प्रीता के खातिर एक दिल में बहुत ज्यादा ही लड्डू फूटे ले आजकल। जब देखा तो प्रीता जी करत रहेला। ऋषभ के ई डाउन मार्केट प्रीता के आसपास देखते ही कुछ ज्यादा ही जलस हो जाएला। लागत भाई कम पृथ्वी कह ले बा। कहीं मुर के महारानी कहीं गुस्सा में आके तो ना कर दे ले कुछ? आजकल कुछ ज्यादा ही साइको हो गई ला। कोई साइको ही होई जो केहू के घर में पार्टी में आकर रोके मारे की कोशिश की ला। करेक्ट, साइको तो बड़े भी है, साथ में घटिया भी हुई, जो हर केहू के बारे में गलते सोचे हुए। वशीज, बस एक बार पता चल जाए ना तो कर जेल भिजवा के ही दम ले। एक बार सामने आ जाए तो के मार मार के जान ले ले। मारे तब ना, जब ओकरा के पहले पकड़ ले, पहले पकड़े फिर मारे ना। हाँ, तो पहले पकड़ते ले, हम ही तने देखेंगे वो बाकी है जो हमरे घर में घुस के हमरे के मारे के चाहता। टैलेंट चाहिए सन करेगा तेरे। चलो देखत बानी, चलो दोनों ही देख ले। चलो के पकड़ इतना आसान ना बा, हम तब तक
तोहनी के हाथ से पकड़े ना जाए जब तक हम अपन ऋत्विक के मौत की बदला ना ले ले, वो कातिल के मार ना दे जे हमार ऋत्विक के मार लिया। पता नहीं औरत भांग काहे पी लेली, अगर पहुंचे ना ला तो मत पीना, हमार पूरा होली खराब कर देली। पता ही नहीं चल पड़ रही, होली खेले ना पहले सब लोग मजा कर लो, हम यहाँ बैठे। अरे राखाल जी, क्या जरूरत है आपके इतना से भांग पी के, हालत देख लिया अपन। जो चाचे जी के काड़ा कुछ तो काम ना कर रहा, कैलस कुछ तो काम कैलस। आप उठ गई, आप यहाँ का करत बानी? मतलब आप उठ गई ना, आप ठीक है ना सेठ है? हाँ उठ तो गई नहीं, लेकिन लेकिन कुछ ठीक ना लगत बा। हमार सर बहुत भारी बा। उठी उठी आई 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 अच्छा बस तनी पीछे आराम से गुड। सिर्फ शरीर तो भारी है ना राखी जी, और तो बहुत कम हो कुछ ना, जितना भांगा पीले रहे ना हमके लागल कि आप दो तीन दिन तक आप उठवे ना करब, लेकिन चाची जी के कड़ा काम कर गई। हम भांग पीले रानी, हम भांग के नशा में कोनो उल्टा सीधा हरकत तो ना करनी ना, कहीं ऐसा तो ना कि ऋषभ मम्मी जी प्रीता वो हमरे के ऐसा हालत में देख ले ले। हाँ हाँ देख ले ले। हाँ अब तो हम केहू के मुंह दिखाने लायक ना बचनी है, अब वो हमारे बारे में का सोचे हैं, हम का चेहरा लेके जाए उनका सामने। कुछ ना टेंशन ना लिया आप। महेश जी हाँ हम उकरा के देख लिया। केकरा देख लिया? हम उकरा के देख लिया, मनुष्य के देख लिया। सपना में देख ले हो अपना सामने? ना 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 सपना में ना नशा में, हम सच में उकरा के देख लिया, हम मनुष्य के घर में देख लिया, किचन किचन में देख ले रहे हम उकरा के। आप वाकई उकरा देख ले? जल्दी चले हम निको उकरा के ढूंढने के होई, पता ना हुए घर में फिर से काहे घुस लिया। चले अरे राखी जी, अरे राखी ये राखी जी। I don't know, केहू भी डांसर ना दिखत बाड़ी यहाँ, सब पता ना कहाँ गई बाड़ी, और केहू अजनबी चेहरा भी ना दिख रहा बा। जे लोग भी आयल रहले हमने सब के जाने नी। ना मॉम, आई एम श्योर यहाँ ऐसा कोनो चेहरा बा जकरा के हम पहचाने नी ना जाने नी ना, हमके वही चेहरा के ढूंढ के निकाले के होगी। करीना मैम वो गिरीश कहले रहे की वो डांसर वाली लड़की ओकरा किचन में दिख ले रहे। हाँ प्रीता भी तो अभी यही कह ले रही कि यहाँ पर कोई डांसर दिखत नहीं खे। अरे ना देख रहा तो दिख जाई, ढूंढब तो मिल जाई, ये कहीं हुई ना उजयन कहीं ना, वो लोग पेमेंट बाकी बा, वो लोग जब लोग पेमेंट ना करे वो लोग जाए कैसे ना जाए। लो हम डांसर्स के हेड के कॉल करते नहीं, और हम भी पुलिस के कॉल करत बानी। करीना बुआ पुलिस के फोन करके क्या जरूरत बा, होली बात सब लोग सेलिब्रेट करा था, पुलिस आई सब लोग टेंशन में आ जाए, मतलब सबके होली खराब हो जाए, सब त्योहार खराब हो जाए, सबके मूड खराब हो जाए। लेट्स नॉट कॉल पुलिस प्लीज। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सर, केहू तोहरा के चाकू मारे के कोशिश कैलस, वो लड़की ए वक्त यही पार्टी में बाड़ी, और हमने हमने ये बात के अनदेखा कर दे। ना बेटा तोहर लाइफ के साथ इतना बड़ा रिस्क ना ले सके नहीं हम बेटा। कहे के मतलब जब कैसन बात करे थे, आप कहते हैं कि पुलिस के बुलावल जरूरी ना बा, आपके पता बना आपके साथ का भइल रहे यहाँ पर, हमने के आस पास कौन ऐसा इंसान बा जो आपके जान लेवे पर तुलल बा। एक ना दो बार आप पे हमला भइल बा, एक बार छुरा से हमला भइल बा, और एक बार दूध में। ये मैटर बहुत सीरियस बा, इनफैक्ट हम तो कहत कि पुलिस के आवे के चाही, पुलिस के आवे बहुत ज्यादा जरूरी बा, लेट देम कम प्लीज। हम पुलिस के फोन करत बानी। हेलो जी, हम करीना लोथरा बोल रहे हैं। वो हमार बात सब डांसर लोग यही जाबा, नाश्ता कर रहा लोग, नाश्ता करके ही हम लोग से मिले आई। हमारे को बात समझ में आई कि गिरीश कॉले रहा कि किचन में कौन डांसर के देख ले रहा, लेकिन हमने के तो कौन डांसर के नहीं देख ले, तो फिर हमने क्या कैसे पता चली कि चाकू मर ले बा, और ऊपर से करीना बुआ चल गली बड़ी पुलिस के बुलावे। अब पुलिस आ जाए सब लोग के मूड खराब हो जाए, सब लोग के होली खराब हो जाए, सब लोग के टेंशन में आ जाए। ऋषभ जी आप पुलिस की टेंशन मत ली, हम पुलिस के हैंडल कर ले, हम ना उन लोगों के पीछे के दरवाजे से ले, कोई ना देखी कि क्या आवा था, बट आई होप वो डांसर वाली लड़की हमने के मिल जाए कैसे भी करके। सृष्टि
हाँ ऐसा करा तू तब तक ना सीसीटीवी फुटेज चेक कर ला सारे कैमरास के ओके जा। हाँ ठीक बा। तू कहाँ बताड़ू तू तो खुद एक घर में अजनबी बाड़ू ना मतलब फर्क सिर्फ इतना बा कि हम दोनों का चेहरा पहचाने नहीं ना लेकिन 80% मेहमानों को ना तू जाने लो ना पहचाने लो तो तू का कर वो यहाँ आकर तो हर कोई तुक ना बने ला यहाँ आवेले तू ये पर रह कोई जरूरत नहीं है। सृष्टि तू पागल तो ना हो गई बाड़ू कैसे बात कर बाड़ू अरे कौन बात ना बा जा जे काम करेगा करे ना जा तनी एक बात के बुरा मत मनिया इस ज्यादा ना बस तनी सा क्रैक पिया। सृष्टि को काम करा समीर के साथ लेके जा समीर सब मेहमान इनके पहचाने ला जा समीर चली। और सुना सुना तनी रीता जी कहत बड़ी तो चुपचाप सुनता है ना लेत बड़ा तो हर भला खातिर बोले लियो का मत कर हम करीना के सामने एक खातिर बात ना कहली काहे कि उस सवालन के पिटारा खोल दी कि प्रीता तोहर ख्याल काहे रखेली तोहर ध्यान काहे रखेली समझला कितना चिंता बा ओकरा के देखे तो ओकरा के हमरा मालूम बा। हाँ ऋषभ जी दादी सही कह रहे बानी प्रीता आपके केयर करेली एज अ फ्रेंड हमके अच्छा ना लगा आप ओकरा से ऐसा बात कही नहीं। कमाल है अब बेबी के अचानक का हो गए ये पंचायती बिजनेसमैन की खातिर अचानक से इतना केयर कहाँ से आगे लेकर दिमाग में। ओ एक्टिंग हमार प्रीता जी के हटा के खुद मेन हीरोइन बनने की कोशिश करती है। हम कुछ कहानी हम प्रीता जी आपके कुछ कहानी ना आप कुछ ना कहले हाँ प्लीज ये सब बात छोड़े तानी ना चौन बात पे ध्यान देवे के हाँ ओकरा पे देवे तानी सब लोग अपन आँख खुला रखा उले की जे भी बा हमने के आस पास ही बा अब हम भी ये कही चाहत बानी। एक्टिंग आवत नहीं खे अभी ओवर एक्टिंग करती है इतना दिखावा भी ना करे के चाहिए कि दिखे लगे कि दिखावा हा और उले की जे भी बा ओकरा के आज हमने पकड़ ही ले